हेलो, मैं ऑल लिटिल किड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हुए। मस्ती नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, आज क्लास फर्स्ट के बच्चों का चैप्टर टू स्टार्ट है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले चैप्टर वन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास फर्स्ट का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके चैप्टर फर्स्ट देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब आ गया आपका चैप्टर टू, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। वी कैन डू मेनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे कई सारी चीज़ें करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी मशीन है। लेट अस नो द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। आइए जानते हैं एक कंप्यूटर का उपयोग क्या है। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उसका उपयोग है वो देखते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ कहाँ पे? प्ले गेम्स। देखो, ये बच्चा बैठ के गेम खेल रहा है ना, गेम खेलने में, सॉल्व सम्स, आपको प्लस माइनस, टू प्लस वन, थ्री, ये आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिटिल किड्स कर रहा है, ठीक है। और क्या यूज़ है कंप्यूटर का? ड्रॉ एंड कलर। यहाँ पे देखो, ये गर्ल्स एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है ना कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे हम ड्राइंग बना सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, उसे कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर का यूज़ लिसन टू म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनने में, सी ये बॉय बैठ के गाने सुन रहा है, मतलब कंप्यूटर पे हम गाने भी सुन सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ है कंप्यूटर का? वॉच कार्टून्स। ये चिल्ड्रन बैठ के क्या कर रहे हैं? कार्टून्स देख रहे हैं। कंप्यूटर पे हम कार्टून देख सकते हैं। टाइप लेटर्स एंड स्टोरीज़। कंप्यूटर पे हम टाइप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना, उस पर हम टाइप कर सकते हैं लेटर्स, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये है देखो कीबोर्ड, जिस पे इस बच्चे ने हाथ रखा है, ठीक है, ये है कीबोर्ड। और देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ क्या है। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब हम देखेंगे किस किस जगह पे। अभी तक हमने देखा कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ होता है, अब हम देखेंगे किस किस जगह पे कंप्यूटर यूज़ होता है, यानी किस किस स्थान पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह है। हेल्पिंग अस इन मेकिंग आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, जो हमारे वर्क को बहुत ही ईजी यानी बहुत ही आसान कर देता है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी काम को करता है, ठीक है। नाउ अब लेट अस डिस्कस सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। आइए कुछ स्थान डिस्कस करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्या है। एट होम, घर पर। घर पर क्या कंप्यूटर की यूज है? टू स्टडी एंड प्ले गेम्स। कंप्यूटर पे हम स्टडी भी कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। आजकल आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे स्टडी भी कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर से हम पढ़ाई कर रहे हैं ना आजकल। आइए देखते हैं हम लोग टीचर्स क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं और आप लोग कंप्यूटर से सीख रहे हो, कंप्यूटर पर बैठ के देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया? टीचिंग एंड लर्निंग दोनों काम हो गया कंप्यूटर से, ठीक है। सी, यहाँ पे टीचर कंप्यूटर से पढ़ा रहा है और यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इन ऑफिस। ऑफिस में क्या यूज़ है कंप्यूटर का? ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। टू डू ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क कंप्यूटर ऑफिस का यूज़ कम सॉरी ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है? ऑफिस वर्क करने के लिए होता है, ठीक है। एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट्स पे यानी जो हवाई अड्डा है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फॉर बुकिंग टिकट्स, टिकट बुक करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो रहा है काम। और देखते हैं कहाँ पे यूज़ है। इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज़ है। किस लिए? टू डायग्नोज द डिजीज़, ठीक है। डिजीज़
डायग्नोज का मतलब होता है बीमारी की पहचान करना, ठीक है, टू डायग्नोज द डिजीजेज। बीमारी की स्कैन होता है ना, अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, ये सब किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है हॉस्पिटल में, है ना, जो हम जांच कराते हैं, ये सब कैसे पता चलता है? कंप्यूटर बीमारी की पहचान करता है, ठीक है, बीमारी की पहचान करना और उसका सोल्यूशन भी बताता है, ठीक है। इन बैंक्स, बैंक्स में क्या काम होता है? टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉल मनी। बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, ये सारा काम भी किससे होता है? कंप्यूटर के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया है रेस्टोरेंट्स। इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कंप्यूटर का क्या है? यूज़ टू मेक बिल्स ऑफ फूड आइटम। जो हम फूड आइटम ऑर्डर करते हैं, जो भी हम खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, जो भी फूड, जो भी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं, उसका जो बिल बनता है वो किससे बनता है? कंप्यूटर के थ्रू बनता है, ठीक है। उसके बाद है इन शॉप्स एंड मॉल्स। शॉप और मॉल में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या, काउंटर पे जाते हैं ना बिल बनवाने के लिए, टू मेक बिल्स। तो काउंटर पे जितनी भी चीज़ें हम लिए रहते हैं उसको किस पे ऐड करता है? कंप्यूटर पे ही ऐड होता है, चाहे शॉप हो या मॉल हो, ठीक है। आगे देखते हैं इन होटल्स। होटल्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? टू रिकॉर्ड गेस्ट डिटेल्स। CCTV कैमरे लगे होते हैं ना होटल्स में, कहीं भी आप ऐसे प्लेस पे भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो क्या क्या गेस्ट की जो डिटेल होती है उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं, और जो कैमरे वगैरह हैं वो सब भी, सब किससे जुड़ा होता है? सब कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस विद इन अ फ्यू सेकेंड। कंप्यूटर कैलकुलेशन को कुछ सेकेंड में कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर ढेर सारी सूचनाओं को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। जैसे आप लोग चैप्टर में क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो ना, अपने दिमाग में मेमोरी में स्टोर करके रखते हो, वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। घर पे रहो आप लोग, ज़्यादा बाहर मत निकलो, ठीक है, हाथ कंटिन्यूस धुलते रहो आप बीच बीच में, ठीक है। नेल्स वगैरह आप लोग छोटे रखो, घर पे खेलो, ठीक है, पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ।